गाइस डे टू ऑफ वृंदावन और आज मेरा बर्थडे है और आज हम अभी फर्स्ट डे है तो अभी हम विधिवन पहले धाम पे दर्शन करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम प्रेम मंदिर जाएंगे, देखते हैं कैसा जाता है। लेट्स सी। विधिवन एंटर कर चुके हैं, निधिवन एंटर कर चुके हैं अभी हम। So, अभी निधिवन देख लिया, लेकिन निधिवन में ज्यादा कुछ देख नहीं पाया क्योंकि यहाँ पर थोड़ा डर था। यहाँ पर वृंदावन में ऐसा है कि यहाँ पर बंदर वगैरह रहते हैं, तो यहाँ पर जो है सामान जो है ये ले लेते हैं, तो इसलिए मना करते हैं मोबाइल पर्स और ये सब बाहर निकालने के लिए, चश्मा वगैरह, तो ये सब बाहर नहीं निकालना चाहिए, तो ये अलाउड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा शूट नहीं किया, आपको दिखाया नहीं, बट मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ ये निधिवन में एक ऐसी जगह है जहाँ पर राधा कृष्ण क्या कहते हैं रात को खुद आते हैं और रास करते हैं, और वो सुबह जल्दी क्लोज हो जाता है शाम को 6 बजे तक, और सुबह 4:30 बजे तक खुल जाता है। इससे पहले तक ऐसा बोलना है यहाँ पर लोगों का कंट्रोल नहीं होता, किशन जी जो है रास करते हैं यहाँ पर, और ये बात सच भी है। तो गाइस अभी प्रेम मंदिर पहुँच चुके हैं और मैं आपको मॉर्निंग का व्यू दिखाता हूँ, अभी मैं आपको मॉर्निंग का व्यू भी दिखा देता हूँ। इसका आज फॉग भी यहाँ पर हो रहा है, थोड़ा क्लियर तो दिख नहीं रहा, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये प्रेम मंदिर के अंदर से व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है व्यू, और यहाँ पे काफ़ी इसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन वगैरह काफ़ी सुंदर बना हुआ है। यहाँ पे दर्शन करते हुए जा रहे हैं सीधा सीधा, और यहाँ पर स्टैचूज के जरिए इन्होंने पूरा बता रखा है स्टोरी के बारे में कृष्ण जी की। और ये थोड़ा आगे यहाँ पे पूरा बहुत बड़ा है, पीछे तक पीछे देख सकते हैं, ये और भी बना हुआ है आगे तक, स्टैचूज बने हुए हैं यहाँ पर कृष्ण जी का, ये फ्रंट व्यू है। Today is my birthday and I am celebrating my birthday from Vrindavan. और मेरे पीछे गोवर्धन पर्वत बना हुआ है और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपना बर्थडे वृंदावन में सेलिब्रेट कर रहा हूँ। खींचते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, अबे बेटा रेलिंग पे नीचे हो जाए। तो कृष्ण राधा झूला झूल रहे हैं इस टाइप से, यहाँ पर बना रखा है इन्होंने, और ये इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चल रहा है आई थिंक। इसका प्रेम मंदिर का जो विजिट करने का टाइम है वो बेस्ट टाइम, तो यहाँ पर कोई भी मंथ में आप यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे मास होली के टाइम पर यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, और कुछ जन्माष्टमी के टाइम पर जैसे क्रिश्चियन फेस्टिवल्स जो होते हैं उसमें यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। और ये जो इसका जो ओपनिंग टाइम है वो मॉर्निंग से 8 से 12:30 तक है, उसके बाद फिर इवनिंग से ये खुलता है 4:30 से 8 o'clock तक इवनिंग में। आज हमने निधिवन और प्रेम मंदिर एक्सप्लोर किया और यहाँ तक
बनता है वृंदावन का व्लॉग एंड, और जो नेक्स्ट व्लॉग होगा वो होगा मथुरा के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट योर रिव्यूज एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन एंड प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस एंड सो स्टे ट्यून्ड विद मी। टेक केयर।